हेलो व्यूअर्स, हरीनस कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। आज हम पालक पनीर पुलाव बनाएंगे, पर आज का ये पुलाव हम दो अलग अलग तरीके से बनाएंगे, जिसमें एकदम सॉफ्ट ऐसे पनीर के कोफ्ते वाला एक पुलाव बनाएंगे और दूसरा पनीर को मैरिनेट करके पुलाव बनाएंगे, जिससे पुलाव के साथ साथ अंदर जो पनीर डालेंगे वो भी इतना यम्मी और टेस्टी लगेगा। तो एकदम परफेक्ट पालक पनीर पुलाव रेस्टोरेंट जैसा कैसे घर पे बनाना है, उसके लिए बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले चावल पकाने के लिए मैंने यहाँ पे पानी गरम रखा था 1.5 लीटर। उसमें हम 1.5 कप बासमती चावल धुले हुए डाल देंगे। मैंने इसे धो के आधा घंटा भिगो के रखा था। अगर आपके पास चावल को भिगो के रखने का टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी इसको वॉश करके डाल सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 3 काली इलायची बड़ी वाली, 2 छोटी वाली हरी इलायची, 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 चक्रीफूल डाल देंगे। ये सब खड़े मसाले डालने से जो हमारे चावल है उसमें से फ्लेवर बहुत ही अच्छी आएगी। 1 टीस्पून इसमें घी डाल देंगे। अब चावल को 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 60-70% ही पकाएंगे। 7 मिनट के बाद चावल को चेक करेंगे। चावल को बस इतना ही पकाना है जैसा वीडियो में दिखाती हूँ। अगर इससे ज़्यादा चावल पक गए तो जब हम पालक की प्योरी में चावल को डालेंगे तो ये बिल्कुल गल जाएंगे, इसलिए इस तरह से ही पकाए। दाना थोड़ा कड़क रहना चाहिए। अब चावल को इस तरह से एक छलनी में निकाल देंगे और ऊपर तुरंत ही 1 ग्लास ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसीजर रुक जाएगी और ये ज़्यादा नहीं पकेंगे। चावल में से सारा पानी निकाल के इसे इस तरह से एक बड़ी सी प्लेट में कम से कम 1.5 घंटे के लिए ठंडा कर लेंगे। अब जो चावल का पानी बचा था ना, उसी में हम पालक को भी स्टीम कर लेंगे। हमने इसमें पहले 1 टीस्पून घी डाला हुआ था, इसलिए घी नहीं डालना है। मैंने यहाँ पे पालक 350 ग्राम लिया है और आज जो हम पालक पनीर पुलाव बना रहे हैं वो कम से कम आप 5 लोगों को सर्व कर सकते हैं। चावल वाले पानी में नमक भी पहले से थोड़ा था, इसलिए सिर्फ 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे इसमें। इस पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 मिनट के लिए इस तरह से नमक को मिक्स करके इसे उबलने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं और पालक अच्छे से उबल गया है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पालक को गर्म पानी से ठंडे पानी में निकाल देंगे। इस तरह से एक बाउल में थोड़े से आइस क्यूब डालेंगे और इसे तुरंत ही इस तरह से ठंडे पानी में निकाल देंगे। इस तरह से ठंडे पानी में पालक को डालने से पालक का जो कलर है वो एकदम ऐसे का ऐसा ग्रीन रहेगा। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम रखेंगे। इसमें 1/2 कप काजू डालेंगे और काजू को अच्छे से सौते कर लेंगे। काजू को बहुत ज़्यादा कभी भी फ्राई मत कीजिए, उसे थोड़ा सा ही हल्का सा भुने, क्योंकि काजू को भी इस तरह से फ्राई करते हैं उसके बाद इसे नीचे उतारने के बाद भी उसकी कुकिंग प्रोसीजर चालू रहती है। अगर काजू को बहुत ज़्यादा पकाया जाए तो वो जल जाएंगे, इसलिए बस इस स्टेज पे इसे नीचे उतार देना है। अब उसी पैन में 100 ग्राम पनीर लेंगे। पनीर को इस तरह से छोटा छोटा कट करके लेना है। यहाँ पे मैंने होममेड पनीर यूज़ किया है। घर पे पनीर एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे बनाना है उसकी रेसिपी मैंने मेरी चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसकी वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। पनीर जब तक हल्का गोल्डन कलर का नहीं हो जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से हल्का सुनहरी रंग का हो जाए पनीर, अब इसे एक बाउल में ले लेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को इस तरह से दोनों हाथ से थोड़ा सा पीस के डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे। सारे मसालों को पनीर में अच्छे से मिक्स करके इस पनीर को मैरिनेट होने के लिए 1/2 घंटे के फ्रिज में रख देंगे। अब पनीर के कोफ्ते तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम घर पे बनाया हुआ पनीर लिया है। यहाँ पे इस तरह का पनीर लेना है, एकदम कद्दूकस किया हुआ। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 3 हरी मिर्च चॉप की हुई डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 टेबलस्पून जितने चॉप किए हुए काजू डाल देंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला,
हाफ अ टीस्पून जिंजर पेस्ट डालेंगे। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून। 1/4 कप मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं, जो टोस्ट आते हैं उसका चूरा करके लिया हुआ है। अब इसे अच्छे से मसल के मिक्स करेंगे। अब इसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे। नींबू डाल के इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये पनीर का मिश्रण थोड़ा ड्राई लग रहा हो तो आप इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। अब इसमें से छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेंगे पनीर की। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए, इस तरह से सारी पनीर की गोलियां तैयार कर ली है। आज हम पनीर के कोफ्तों को डीप फ्राई नहीं करेंगे, इस तरह से सेमी फ्राई करके बनाएंगे। जिसके लिए इस तरह के अप्पम बनाने के स्टैंड में थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। सारे कोफ्तों को मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इस तरह से पलटाते हुए पकाना है। इस कोफ्ते बनाने के स्टफिंग में आप चाहे तो बॉईल किए हुए केले या तो पोटैटो का भी यूज़ कर सकते हैं, पर सिर्फ 2 टेबलस्पून जितना ही आपको बॉईल किया हुआ पोटैटो या तो कच्चा केला डालना है। और कोफ्तों को इस तरह से अप्पम स्टैंड में रखने के बाद कम से कम 1 मिनट के लिए पकाए, उसके बाद ही इसे पलटाए। देखिए, इस तरह से पलटाते हुए सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। बने हैं ना बिल्कुल क्रिस्पी, लगता भी नहीं है कि हमने ये डीप फ्राई नहीं किया है और सेमी फ्राई किए हैं। अब पालक की प्यूरी तैयार करेंगे, जिसके लिए बॉईल किया हुआ पालक, उसमें थोड़े से पुदीना के पत्ते डालेंगे, थोड़े से ग्रीन चिली यानी कि 3 हरी मिर्च, आधा नींबू का जूस डाल देंगे। चावल पकाते वक्त जो हमने हरी इलायची और काली इलायची डाली थी उसमें, वो इसमें डाल देंगे और पीस लेंगे। पालक की इस प्योरी को अब अच्छे से छान लेंगे। अब एक पैन में घी गरम रखेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घी लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से तड़क जाए। अब इसमें 1/2 टीस्पून जिंजर का पेस्ट डालेंगे। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो गार्लिक का पेस्ट 1/4 टीस्पून डाल दीजिए। और अगर आप ओनियन खाते हैं तो 1/2 कप इस टाइम पे आपको ओनियन भी डाल देने हैं। ओनियन अच्छे से डार्क पिंक कलर के पक जाए उसके बाद आपको इसमें टोमेटो डालने हैं। अब इसमें 2 चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छे से पकने देंगे, हिला के। फ्लेम को मीडियम रखना है। टमाटर थोड़े से पक जाए अब हम इसमें जो पालक की प्योरी तैयार की थी वो डाल देंगे। पालक की प्योरी को अच्छे से टमाटर में मिक्स करेंगे और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। पालक की प्योरी पक के ऐसी गाढ़ी हो जाए उसके बाद हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमने पकाए हुए जो चावल थे वो डाल देंगे। सारे चावल पालक की प्योरी में डाल के बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। चावल को इस तरह से प्योरी में अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें 1/4 कप बॉईल किए हुए मटर डालेंगे। मटर ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर दीजिए। इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट के बाद पालक पुलाव को चेक करेंगे। देखिए, अच्छे से पक गया है। अब हमने जिस पैन में काजू सौते किए थे उसी में 1 टीस्पून ऑयल डाल के इसे गर्म करेंगे और इसमें मैरिनेट किए हुए पनीर डाल देंगे। पनीर को 1 मिनट के लिए इस तरह से थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें हमारा जो पालक पुलाव है वो डालेंगे। हम 2 तरह के अलग अलग पनीर से पुलाव बना रहे हैं, इसलिए पालक पुलाव को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इस तरह से आधा पुलाव इसमें डाल देंगे। पनीर और पुलाव को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऊपर से इस तरह से थोड़े से फ्राई किए हुए काजू डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो चलिए, अब पनीर कोफ्ते वाला पुलाव तैयार करते हैं। अब जो दूसरे पैन में आधा बचा हुआ पुलाव है उसमें इस तरह से ऊपर से थोड़े से काजू, थोड़ा सा हरा धनिया और हमने जो पनीर के कोफ्ते तैयार किए थे वो डाल देंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसे अच्छे से पुलाव में मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पे खास ध्यान रहे कि आप जो पालक की पूरी को पकाते हैं उसकी कंसिस्टेंसी एकदम ठीक होनी चाहिए। अगर वो ठीक नहीं होगी तो आपका पुलाव है वो बहुत ही मैशी हो जाएगा और जो कोफ्ते हैं वो पुलाव में गल जाएंगे। इसलिए पालक की प्यूरी को मैंने जैसे वीडियो में कंसिस्टेंसी दिखाई है उस कंसिस्टेंसी में आने तक उसे पकाए। तो लीजिए, हमारे दोनों तरह के पालक पनीर पुलाव तैयार है, अब इसे सर्व करते हैं। ये पुलाव इतना यम्मी और इतना हेल्दी रहता है कि आप इसे हफ्ते में 2 बार भी बना के खा सकते हैं। तो आज की वीडियो को देख के आप 2 अलग अलग तरह के पनीर पुलाव घर पे बना सकते हैं। आज की रेसिपी और सारी टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो पुलाव है ना वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनेगा। आज की इस रेसिपी को फॉलो करके पालक पनीर पुलाव को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके ओपिनियन YouTube में कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।